अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। सो टुडेज रेसिपी गोना बी आलू मटर कीमा है, तो मैं बना रही हूँ कीमा आलू मटर, बहुत ही मज़े का बनता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है कुकर, जिसमें मैंने ऑयल ऐड किया है, मस्टर्ड ऑयल। ऑयल डालने के बाद इसको गर्म करेंगे। गर्म होने के बाद ये देखिए, मैंने इसमें स्लाइस कट किए हुए अनियंस डाल दिए हैं। इसको ब्राउन करने के बाद हम निकाल लेंगे। तो प्याज मैंने फ्राई करके निकाल लिए हैं। उसके बाद मैं कुछ सूखे मसाले, खड़े मसाले डालूंगी, जिसमें है एक बड़ी इलायची, दालचीनी, 2-3 लौंग, 2-3 काली मिर्च और तेज़पत्ता, जो मैंने ऑयल में डाल दिया है। हल्का सा क्रैकल होने के बाद इसमें मैंने कीमा ऐड किया है। अराउंड 1 kg कीमा है, जिसमें मैंने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट, 1.5 टेबल स्पून, और उसके बाद मैंने नमक ऐड कर दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। उसके बाद मैंने डाला है 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, और 2 टेबल स्पून मैंने डाली है कश्मीरी रेड चिली पाउडर। सब मसाले डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ इसमें मैंने ऐड किया है प्याज का पेस्ट। मैंने 2 प्याजों का पेस्ट बना लिया था, पेस्ट डाल दिया है। उसके बाद मैंने दही डाल दी है, और इन सब में थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया है। उसके बाद एक बॉयल आने के बाद और मैं इसको कवर कर दूँगी। कुकर कवर करने के बाद अब हम इसे, जब तक हमारा कीमा अच्छे से गल नहीं जाएगा, तब तक हम इसको पकाएंगे। कुकर में 4-5 विजल और 5 मिनट के बाद, हमने कुक करने के बाद कुकर को खोला है। तो अब ये मैंने इसमें जो गर्म मसाले डाले थे, लाइक तेज़पत्ता और बड़ी इलायची, वो मैं डिस्कार्ड कर लूँगी। और देखिए, मैंने एक बड़ा टमाटर चॉप करके डाल दिया है कीमे के अंदर, और इसी के साथ जो मैंने प्याज फ्राई किए थे वो भी मैं कीमे के अंदर ऐड कर दूंगी। अब इस कीमे को हमें अच्छे से भून लेना है। याद रखें कि जब भी इस तरह से कोई भी ग्रेवी वाला बनाते हैं तो उसकी भुनाई अच्छे से होनी चाहिए। ये देखिए, हमारा कीमा अच्छे से भुन गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है, सरफेस पे आ गया है। तो हमने जो अपने आलू बारीक बारीक कट किए हैं, वो हम गोश्त में डाल देंगे, कीमे में डाल देंगे, और मटर हम कीमे में डाल देंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, 2-3 मिनट पकाएंगे, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। जितनी आपको जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए, जितनी ग्रेवी चाहिए, आप उतना पानी ऐड करें। वैसे ये थोड़ा सा भुना भुना ही अच्छा लगता है। तो अब इसमें एक बॉयल आने के बाद, और मैं इसे फिर से कवर कर दूँगी। अब कुकर को हमने खोला है, सो नाउ यू कैन सी द कलर, हमारा पूरा ऑयल जो है सरफेस पे आ चुका है, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, और आलू कीमा मटर बिल्कुल बनकर तैयार है। और ये देख सकते हैं आप, कितना अच्छा कलर आया है, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे, और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, हरा धनिया तो ज़रूर ही डालना चाहिए। हमने इसको डिश आउट कर लिया है, जिंजर जूलियंस और हरी धनिया के साथ गार्निश किया है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।